दोस्तों नमस्कार, शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शिवराज सरकार की प्रदेशवासियों के लिए बड़ी तैयारी है, किसानों और छात्रों को मिलेगा इससे लाभ, खातों में ट्रांसफ़र होगी करोड़ों की राशि। आगामी चार दिनों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी तैयारी है। 16 से 20 मई तक प्रदेश में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें हितग्राहियों को करोड़ों की राशि आवंटित होगी, जिससे किसानों और छात्रों को मिलेगा बड़ा लाभ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी कमिश्नर और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह बात कही। 16 मई को प्रदेश में संबल योजना के हितग्राहियों को राशि का वितरण किया जाएगा। वहीं 17 मई को प्रदेश में मिशन नगरोदय प्रारंभ किया जाएगा। 16 मई को संबल योजना के हितग्राहियों को 600 करोड़ की राशि का वितरण किया जाएगा। जी हां, वहीं 17 मई को प्रधानमंत्री आवास में शहरी हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया जाएगा और 600 करोड़ की राशि के साथ अन्य योजनाओं में 12,000 करोड़ रुपए हितग्राहियों को प्रदान किए जाएंगे। वहीं 17 मई को विद्यार्थियों को मूंग दाल का भी वितरण किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रारंभ होने के बाद आगामी वितरण राशन की दुकानों से होगा। वहीं 18 मई को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में 1650 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। 19 मई को मुख्यमंत्री नगरी भू अधिकार योजना में प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाएगा और 20 मई को कायाकल्प अवार्ड से संबंधित कार्यक्रम होगा। इस प्रकार से यह कार्यक्रम 16 मई से 20 मई तक चलेगा, जिसमें गरीबों को, किसानों को, छात्रों को तथा अन्य प्रदेशवासियों को लाभ मिलेगा। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी है, प्रदेश में 20 करोड़ रुपये से होगा मेगा प्लान का बजट। इस प्लान के बजट से प्रदेश के 52 जिलों को मिलेगा बड़ा लाभ। शिवराज सरकार ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश के लिए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल प्रदेश में पानी की समस्या को बदलने और पानी सहेजने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इसके लिए तालाब से जुड़े सारे कार्य को प्राथमिकता देने के साथ सरोवर प्राधिकरण बनाए जाएंगे, इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। नए तालाब बनने से लेकर तालाब की मरम्मत तक के सारे काम सरोवर प्राधिकरण के तहत होंगे। राज्य शासन ने इस योजना को पूर्ण करने के लिए एक जिले में लगभग 4 लाख रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है। एक तालाब पर केवल 4 लाख रुपए खर्च आएगा, जिसके लिए गांव में भागीदारी से भी राशि एकत्रित की जाएगी। वहीं इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए 52 जिले में 2 से 3 साल के भीतर 5200 तालाबों का निर्माण कराया जाएगा, अर्थात 5200 तालाबों का निर्माण प्रदेश के सभी जिलों में अर्थात 52 जिलों में कराया जाएगा, जिससे पानी को सहेजने की व्यवस्था रहेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को दिए बड़ी राहत। अब प्रदेश में गेहूं खरीदी की तिथि को और आगे बढ़ाया गया है, इससे लाखों किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से किसानों को बड़ी राहत दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तिथि को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, अर्थात इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। किसान अब 31 मई तक अपने गेहूं को समर्थन मूल्य पर सरकार को बेच सकते हैं। पहले यह तिथि 16 मई रखी गई थी, अब इस तिथि को बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की अब नई पहल है, प्रदेश के 125 गांव में बनाए जाएंगे गांव अध्यक्ष, इससे संगठन को मिलेगी मजबूती। कांग्रेस ने ग्राम स्तर पर समस्याओं को उठाने और ग्रामीणों से बेहतर समन्वय बनाने के लिए ग्राम अध्यक्षों की नियुक्ति की है। जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष होता है, वैसे ही गांव अध्यक्ष होगा। यह गांव अध्यक्ष बैतूल जिले में बनाए जा रहे हैं। बैतूल जिले के बैतूल ब्लॉक के 125 गांवों में ग्राम कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे, जिससे संगठन को जमीनी स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए, कांग्रेस को कैसे जोड़ा जाए, इन सभी चीज़ों को एक साथ करने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में आम आदमी पार्टी की एंट्री होगी, अर्थात मध्य प्रदेश के पंचायत तथा निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के सरपंच तथा जिला अध्यक्ष होंगे। आगामी नगरी निकाय पंचायत चुनाव को लेकर इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में दिखाई देगी। पार्टी ने चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते पार्टी कार्यकर्ताओं की रिव्यू बैठक शहर के निजी गार्डन में आयोजित कर रही है। इस प्रकार से कांग्रेस को ग्रामीण संगठन को जोड़ने में मदद मिलेगी। आम आदमी पार्टी इस बार बैतूल जिले के सभी नगरी निकाय, जिला, जनपद एवं सरपंच के चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। पार्टी समाज के शिक्षित और बुद्धिजीवी व्यक्ति को टिकट देकर चुनाव लड़ाएगी और प्रदेश में पंचायत स्तर पर अपने आप को मजबूत करेगी।
बिजली कटौती को लेकर बड़ी खबर है। बंद हो गई है बिजली तो करते रहो इंतजार, सुनने वाला कोई नहीं है। गर्मी से राहत के लिए बिजली बेहद जरूरी है, लेकिन सूरज की तपन बिजली सप्लाई भी दम तोड़ रही है। घर हो दफ्तर हो, बिजली खपत के उछाल मारते ही सप्लाई बंद हो रही है, जिसके कारण बिना कूलर पंखे एयर कंडीशन के लोग पसीने और उमस से तरबतर हो रहे हैं। बिजली कंपनी के मुख्यालय में ही बिजली कटौती का आलम यह है कि यहाँ बंद हो गई बिजली तो सिर्फ इंतजार करते रहो, क्योंकि यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। कभी मेंटेनेंस का हवाला, तो कभी ट्रिपिंग, तो कभी लोड बढ़ने की समस्या के कारण बिजली बंद हो रही है। बीते दो हफ्तों से करीब 12,000 से ज़्यादा शिकायत दर्ज हो गई है, लेकिन अभी भी बिजली कटौती बंद नहीं हुई है। प्रधानमंत्री आवास पर भी महंगाई की मार चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले निर्माण कार्य भी अब ठप हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास का निर्माण भारी पड़ रहा है। महंगाई की वजह से शासन की ओर से मिलने वाली राशि में निर्माण संभव नहीं होने से हितग्राही मकान बनाने से कदम पीछे खींच रहे हैं। हितग्राहियों के इस रुख से पंचायत कर्मियों की परेशानी और चुनौती बढ़ गई है। हितग्राही ग्रामीण आवास निर्माण की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो पंचायत सचिव और सहायक सचिव सहित अन्य कर्मचारी इस दायित्व से निजात पाने के लिए आंदोलन की रणनीति बनाने में जुटे हैं। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्धारित राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। महंगाई के कारण 1,20,000 रुपये की राशि में शासन द्वारा तय मापदंड के अनुसार आवास बनाना संभव नहीं है। हितग्राहियों ने आवास बनाने तथा राशि बढ़ाने के लिए विधायक साहब के अलावा प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने की बात भी कही है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए राशि कम पड़ रही है। अधिकारियों तथा हितग्राहियों का मानना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाई जाए, ताकि योजना के तहत मिलने वाली राशि से मकान पूरी तरह से बन सके। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।